गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज फिर से है सिर अंकल जहाँ हम दोनों गुड मॉर्निंग गूगल पे निकाल जाते हैं फ्रीक्वेंसी। सुबह सुबह जॉब वालों का टाइम और इतनी भरसक मार के भी चलाने वाले का कसूर बता रहा पे खुद न रहा और चलाने वाले को बता रहा कि मतलब सही से। जय हो। लो टॉयलेट के पास मंदिर न बनाते, किसने रिक्वायर करी है? जहाँ पिंक टॉयलेट के पास मंदिर था और ये हमारी महंगी शादी है। आई कार्ड है ना? हाय एवरीवन, फिर से हम मिल रहे हैं आपको। शादियों के सीजन चल ही रहे हैं हमारे घर में। मैंने बताया था शादी मेहंदी देख के आप समझ रहे होंगे। और हम शिवम को छोड़ के स्कूल से आ गए हैं। तो आज का व्लॉग मैं आज का डालती हूँ रेगुलर, जब मेरे बच्चे एग्जाम के लिए निकलते हैं ना तो उससे रिलेटेड। और यहाँ मैं खड़ी हो गई, धूप बहुत लग रही है ना, मौसम चेंज होगा ना, लगेगा। और बारात के लिए फोन वोन आ रहे हैं बार बार, क्योंकि तैयारी थोड़ी जल्दी की है और फिर शिवम को भी लाना है, तो अपने जिस हिसाब से करना है। देखो भीड़ भीड़, सुबह का टाइम है कितना ज़्यादा। और बस अब जाके ब्लॉग वगैरह डालूंगी। रस्में देखना हमारे यहाँ पर किस तरह की रस्में होती है और कैसे लग रहे मेरे ब्लॉग, मुझे जरूर बताइएगा। सुबह सुबह सबका जैसे कहीं निकलो तो क्या खाने का मन करता है? मुझे गन्ने का जूस। और तुम्हें मुझे तो ये कुछ खाते ना मेरे साथ खाएंगे कुछ ना कुछ। मुझे भी, मुझे कभी भी ना बाहर का ट्रिप बनवाने की जरूरत ना है। मुझे भी ऐसा लगे जब से कुछ भी हो, थोड़ी थोड़ी सी हम दोनों एक दूसरे के साथ ही है ना निकलना चाहिए सुबह से। अब जिम तो ये जाएंगे ना, हाँ सॉलिड बॉडी इसीलिए इस बहाने भी निकल गए तो भी सही है कि सुबह सुबह घूमने के लिए मिल गए। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको अपने आगे के लोग। हाँ पी लिया शिवम, हमने गन्ने का जूस। सुबह सुबह शिवम को बहुत पसंद है गन्ने का जूस। और हमने लिया है बच्चों के लिए समोसे। ये हमारे समोसे वाला चाट भंडा, ये समोसे वो भी अभी सो के उठ गए होंगे ना, तो चाय के साथ ले लेंगे सुबह सुबह। और हमारा भी अच्छा था जूसेस नींबू डाल के, और पुदीने का आया करेगा ना, मुझे तो सही में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वही शादी के घर की जो दिखावा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, ये होता है शादी से पहले। और जितने भी परिवार के जेंट्स लेडीज़ और वो सब रहते हैं, वो सामान देखते हैं चेक करके कितना शादी में जाना है, क्या क्या जाना है। तो घर वाले सभी को बुलाकर इकट्ठा दिखाते हैं। तो यही मैं दिखा रही थी आपको, ये है कलीरेन। और बाकी सामान वगैरह दुल्हन का जाएगा, उसकी चॉइस के हिसाब से ही खरीदा जाता है जो पहनने वाली होती है। तो बहुत ही सुंदर कलीरेन लगा, न्यू डिज़ाइनिंग था। बाकी सारी चीजें तो मैनेजेबल होती हैं, वही साड़ियाँ कपड़े लत्ते लहंगे अपनी आप चॉइस के हिसाब से देते हैं ताकि दुल्हन खुद अपनी मर्जी से पहन सके। तो ये है हमारे यहाँ दिखावा बोलते हैं। उसके बाद शादियों की जो ओकेजन स्टार्ट होंगे वो आपको आगे दिखते रहेंगे। मेरे दही देवताओं के गीत, पूजा, रस्में, हल्दी मेहंदी जैसा भी रहेगा। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप अच्छा दो कमरे का हॉल, फिर बाहर से लाती कुछ किचन भी सही बनवाई। और ये कहाँ
बढ़िया। तो ये है जो नया पोर्शन उन्होंने तैयार करवाया था, काफी अच्छा लगा मुझे, स्पेसिंग था। और हम गए थे ऊपर वाले रूम को देखने के लिए, सामान वगैरह हमने देख लिया था। यही सब चीजें चलती रहेंगी आगे शादियों में, जैसी भी तैयारी रहेगी। और रूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, बाथरूम वगैरह भी मुझे काफ़ी अरेंजेबल लगा क्योंकि स्पेस काफ़ी था। बाहर एक बैठक बनवा रखी थी, बैठक के साथ में एक अटैच बाथरूम था और अंदर रूम था। बालकनी काफ़ी बड़ी थी, ज़्यादातर जैसे जो लेडीज़ होती हैं उन्हें तो किचन का रहता सारा फॉर्मेट, तो मैंने किचन की देखी, दोबारा से वीडियो ली क्योंकि किचन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब चलते हैं घर और शादियों का सीज़न। चलिए ये है तैयारियाँ और यहीं पर हम करते रहेंगे, जो ओपन री रस्म होती है ना वो हम यहीं पे करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसका लुक भी। एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग? तो हम हो गए रेडी जाने के लिए और बस अब थोड़ा सा मुझे टचअप देना अपने उस पर। और ये है मेरा कुछ, ये जो मैंने 6 लेयर्स की स्कर्ट ली थी और ये शिवम का लुक सुजन, बस इसे डालनी है जींस और नीचे वो अपना शूज वगैरह पहनेगा और बस अब निकलने वाले हैं। और फिर थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी वहां की, हमारे यहाँ है रोकना, फैमिली फंक्शन है। तो चलिए एंजॉयमेंट करते रहेंगे और आप सबको दिखाते रहेंगे अपने चैनल पर यही सब। सब आप जो देख रहे हैं ये हमारे शादी के अंदर का जो पार्टी का लुक था ना, जब मैं पार्टी में चली गई थी, ये वहीं का लुक है। और आप देखिएगा ये सब वीडियो भी आगे, और फुल ऑन मस्ती के साथ डांस वगैरह सब करते हैं, आपको पता ही है जहाँ जाते हैं। और ये एक और गुड न्यूज़ आपको देने के लिए मैंने बताया, यहाँ पर हमारी फैमिली में हो गई है एक लक्ष्मी की एंट्री और मेरी देवरानी की हुआ बेटी, तो मैं फाइनली बड़ी माँ बन गई हूँ और सुनील जी बड़े पापा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय, और इसी तरह से बने रहे मेरे चैनल पे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।